किसी भक्ति क्यों करते हैं? सर भक्ति का मतलब की है? कोई जप करता है, कोई तप करता है, जप करता है, कोई योग करता है, कोई पुण्य करता है, कोई दान करता है, कोई कर्म कर्म करता है, कोई पूजा पाठ करता है, तो जो कोई तीर्थ से जाता है, इसका असल मतलब की है? कहे वास्ते करते हैं? असि कदे नहीं गौर का विचार है, इस वास्ते करते हैं कि जुगा ने जुग पी चुके अस मन को बिछड़े हैं, क्यों असि धक्के खाने हैं? कदे ऊंट बन गया, कदे बैल बन गया, कदे घोड़े बन गए हैं। देखो हाल की है बैलों का, हलन जुते ने, गड्डे जुते ने, ऊंटा देखो किडे किडे लद्दे लद्दे जाते हैं। साढ़े वर्गे रूहान है, यह साडा छुटकारा हो जाए, इस वास्ते करते हैं। दूसरे कि जुगन जुगते अस काम क्रोध अग सड़ते पे हैं, किसी अंदर शांति है। बड़े बड़े शाहूकार देख लो, राजे महाराजे देख लो, सोच लो लीडर देख लो, किसी में शांति है? मजबूत लीडर देख लो, किसी में शांति है? भी शांति प्राप्त हो जाए, इस वास्ते है। हम अस विचारना है ये वास्ते की करिए, अस कर दे ही आए हैं। देख लो पता नहीं करते मालिक से बिछड़े हैं, जुगन जुग बीत चुके हैं, कितने सतयुग बीत चुके, कितने त्रेते बीत चुके, कितने द्वापर बीत चुके, कितने कलयुग बीत चुके, कई दे परले हुई, कई दे माँ परले हुई, फिर दुनिया बनी, तो लो फिर इसी तरह चौसी रहे हैं। छुटकारा तो ना होया, बड़े बड़े जाप किते, बड़े बड़े तप किते, सठ हजार साल तक तप किता, सोचो सठ हजार साल तप, अठासी हजार साल तप, कौन हारी खादा बिना, सोचो इतने कोई दो साल साल है कोई करे मर जा, कोई करता कोई धूनिया तापता कोई पानी सिर तक बड़ा तपस्सी है, अठासी हजार साल ताप लो ना, कौन हारी इतना हरकत जी मारता सी पानी पी लेंदा सी, मन ने मारता, मन भी काबू ना, मालिक की प्राप्ति तक होनी सी, सोच लो। फिर बड़े बड़े योग किते, पूर्ण योगी हुए, प्राचर्य जी पूर्ण योगी होके आए, रिधि सिद्धियां प्राप्त कीतिया, मन ने मारता मिशुद्ध रीते, इन्नी ताकत आई कि चुल्ली मार के सूरज ने तुंद करता, तुंद करके सूरज पाता, पानी वृत्ति करता, बीबी योजन किनारी करता, पर छुटकारा तो ना हो, मन तक काबू ना आया, सोचो मन तक काबू ना आया, मन की प्राप्ति तक की होनी थी, शांति तो ना आई। फिर मच्छंदर से उस दे चो निकल जाते, ताकत आत्मा तीन शरीर कैद है, पहला कारण शरीर है, उदे तो शुभ शुभ शरीर है, उदे तो स्थूल शरीर है, जो देख रहे हैं वह इस देह चो निकल जाता है। इतने भी इन्नी शक्ति आ जाती है कि दुनिया ने उल्टा पुलटा सके, लेकिन उन्हें मन में मारता, किसी राज का ध्यान होया, मन ने ख्याल किया विषय भोगीए, राजपाठ करिए, अपनी रूह नूं इस जिसम चो कढ के उहदे जिसम च प्रवेश करके विषय भोगे ना भोगे, फिर भी छुटकारा ना होया, इहदे वास्ते बड़े बड़े गुरु कीते, इहनां नूं गुरु बगैर मुक्ति नहीं, गुरु बड़े कीते हैं, सारे करते हैं, हरे करना मैं गुरु कर लिया, सोचो हरे करना मैं गुरु कीता, गुरु भी कीते, अगर उन्होंने भी किसी ने सिखाया व्यापता वगैरह योग भी सिखाया, किसी ने मच्छंदर जो इतने अंदर गया, किसी ने सिखाया, इतने तक तो आया सिखाया, अगे समान वाला कोई ना मिलया, अगे रहता रुकावट ने सामने ले गया, रगड़ा है भारी, कुछ समझे संत जान, रड़बड़ मच रही भारी, अजीब रड़बड़ है, तना देखे ही पता नहीं किरे रस्ते जाना है, अनेक रस्ते ने, हरेक अपनी अपनी रीतां फसे पिया, कहना साड़ी ठीक है, कहना साड़ी ठीक है, ठीक करता है, जो कुछ हासिल हो जाए, जे मालिक की प्राप्ति नहीं हुई, जे चलो भी छो, कोई शांति कोई तसली, सोचो ऐसे ही साड़ी रीतां ठीक ने, सारी दुनिया रीत हो आज ना, मालिक का प्यार उठे, कोई शांति आवे, कीमती गल समझ दी, रीत तो है, दूसरा की रोया
उन्हें ले गया क्या जामी तो अपने इसमें रस्मान रिवाजन सब मालिक से प्रेम से खत्म कर दे। और रीत मुबारक है जितने मालिक साहब प्यार उठे इश्क उठे अंदर तसल्ली हो गए ये तुम्हारे साहब ने जालो ऐसी रीत जितना प्यारा बिसरे नान थाई भली प्रीत जित हर चिट्ठी पत्र है। अगर पत्ते न रही फिर उन्हें रीता ने दिखा था बोलो अंदर शांति ना आई कोई तसल्ली ना हुई फिर सोचो उन्हें रीता ने दिखा था सब अपने रीता फंसे पाए ने पहले तो फिर असिता पता नहीं फिर अगे रुकावता नहीं देखो मैं चंद्र स्त्री से निकलिया माड़ी जी तेरी भी सीधी दिखा दे तो कहने बस इस वर्ग का फकीर कोई नहीं देख लो और पीछे सारी दुनिया नठन लग जाती है। कबीर साहब ने लिखा पाखंड में कुछ नहीं रे साधो पाखंड में कुछ नहीं रे पखंडिया नर भोगे तिरासी खोज करो घटना ही दे बदल ले शेर बन के आ जाए कुछ और कर ले कहने फिर भी ना मना देखो राम आ गया गुलाम साहब उसे रोज पढ़ दिया पंखी हो के जे भवा सह सुनानी जाओ नजरी किसी ना आवे ना कुछ ना खाओ भी तेरी की ना कभी हमके बेटा खाना कि पंखियों के सारे समान की खबर ले आवे बगैर खाते पीते जिंदा रह जाए तभी ना समझे तो कोई नाम या सतगुरु आ गया बोलो कोई ड्यूची चीज है इस देश से तो निकले हो अभी छुड़ाने वाला ना मिले गुनाम साहब कहते हैं बिगड़े दाल ना मेरा सतगुरु सुख सिद्धि कर जाते गुनाम साहब खुद काल पुरकाए एक बार वापस जान लगे घेरना चाहे हूं तो उन्होंने चलते वाकफ थे उन्होंने सारा खेल किया सतपुरुष ने सारा खेल किया सोचो तो निकल के बाकी की ताकत नहीं तुझे मारे गए ना मारे गए वो कहते मूसा पैगंबर से मूसा भागा मौत से मौत आगे खड़ी वो भी डरिया सोचो छुड़ाने में मिले देख लो फिर अगे काल का हेडक्वार्टर है क्यों गुरबिंद टूटी सिर से शायद मिले सुख हो वो तो कोई नहीं निकलिया बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया रुके बैठे ने सन सही रास्ता नहीं मिले ऐसे करके धक्के खाने असली चीज नहीं मिली अंदर भी अनेक दफ्तर ने अनेक महकमे ने समझ लो अनेक हुकूमत ने असली चीज ना मिली छुड़ाने वाले कोई हो रहा है गुरु के बगैर केड़ी भक्ति करनी चाहिए है वो केड़ा सतगुरु है जी छुड़ाने वाला ये सतगुरु आपके दारमदारी मेरे सतगुरु आपके खेल खिलाड़ी है इन्हें सूर्य बनाया चंद बनाया तारे बनाए सोचो ए सतगुरु पेड़ पेड़ में पानी लगावे अपने कुछ माली हो सब जिंदगी तक दे रहे हैं सब दे अंदर है वो हर रहना कितने है तुझ सब लिखते ने सुन हिरते सतगुर सा जानी सतगुर सत पुरुष को जानी रहना कितने है चौथे पद में करे निवासा तीन लोक में कांत वासा उत्तरलोकी से पार चौथे लोग रहना त्रिलोकी तक काल का तैर है इधर एक शब्द कहते ने कबीर साहब का इधर घोगड़ा सिरे तीन लोग और चौदह भवन में इस घोगड़ का राज तीन लोग और चौदह भवन में इस घोगड़ का राज त्रिलोकी तक चौदह भवन क्या इंद्र लोग ब्रह्म लोग शिव लोग सबको खा गया देख लो सारण खा गया किसी नंद छटिया कबीर सोया क्या करे सोए हुए आकाश ब्रह्मा का आसन डिगा सुनी काल की गाज खेल भी मालिक ने यहाँ पे पाया खेल भी जीव पाया है खेल भी जीव फसा भी जीव है वो रन का आप चौथे लोग से चुप कर गया टंक बैठा है जेड़ा रचना का काम है उन्हें काल दस्तूर कीता है ये गुरु है जेड़े ये छिड़ाने वाले इन्हें अपने हाथ से रखे है दाते दात रखी है अपने जिस पावे तिस दई किमें करता रचना किमें जिंदगी का ताकत दे रहे आप मैंने खुद माली किमें माली है असी कहने गुरु दाता है गुरु दाता कहने सतगुरु मेरा प्रेम होता है सतगुरु मेरा सच्चा सास मेरा सतगुरु प्रेम होता है जा सबसे बनाने वाला है किमें है उधर रूप की है शब्द रहना उठे है मगर उधर रूप की है शब्द किस रूप न रे सना हाथ बाजे शब्द नरंजन आपकी है जी मैं हमने प्राइम मिनिस्टर तो बोले वो दिल्ली बैठा है एक मिनट की आवाज देते आज सारे अफसर कम करने लग जाएंगे वो तो उठे बैठे किने कम कराया सोचो अच्छा बुरा जो हो गए उसके हुक्म नाल किने कराया उसकी आवाज ने शब्द ने इस तरह मालिक शब्द का हो नाम का हो हुक्म का हो वो सब जगह है सब जिंदगी और ताकत दे रहे हैं उसने सारी रचना की है रोज पढ़ दिया हुक्म होगा हुक्म होगा नाकार हुक्म ना क्या जाई
दुखी हमें जिया हुक्म मिले वड्याई हुक्म तुम नहीं हुक्म लिख तो छुपाई है बंदे ना ये हुक्म ने सारा काम बनाया जिसने वो हुक्म जान लिया हुक्म का कारण था जब बोले शब्द शब्द धरती शब्द आकार शब्द शब्द प्रकाश शब्द लाइन करे नाम नाम के धारे सगले जान नाम के धारे खंड ब्रह्मांड नाम रूप सारे में आए शब्द अंदर है असि कहने सतगुरु मेरा बेमहताज सतगुरु मेरा सच्चा साज किन्हें बेमहताज है आ कपड़ा बनाया किसी ने किए बनया है किसी ने कपा बोई किसी ने चुगी किसी ने बेली किसी ने सूत बनाया किसी ने रंग बनाया किसी ने गुणी सोचो किसी ने छापी सोच लो किन्ने तज निकलिया किन्ने कारीगर लगे ये बेमहताज सतगुरु जरा फुला रंग करता अंदर बैठा काम करता अंदर बैठा काम करता अंदर पीला रंग लिया अंदर लाल लिया अंदर हरा लिया सोचो आ मैं कह किन्ने तारा ने किन्ने कारीगर लगे देख लो किन्ने उजार लगे होने ने ये भी इसी तरह ही है इधर अंदर की तारा ने यह देखने वाली ताकत ये राम है ये सतगुरु है जिन्होंने शब्द गुरु कहने हैं ये है ये मुक्ति का दाता इन सब छड़ी बैठे ने बाकी कोई नहीं बाहर गुरु ये है मुक्ति का दाता बाहर गुरु कर करके थके तो छुटकारा होया किन्ने गुरु किते इन्होंने ये जब तक ये नहीं आंदा जब तक छुटकारा नहीं ये दात उन्हें अपने हाथ की रखी है जेड़ा रचना का काम है वो काल दे सुर कीता है खंड पाताल दीप सब लोहा सब काले वासा प्राप्त किया मालूम है आप ये खेल पाया है फिर उन्हें रचना चलानी है हुक्म जो है खंड पाताल दीप सब लोहा सब काले वासा प्राप्त किया नित्य लेख सदा अपनाशी सो नेचर जो किसी पे आएगा वो नेचर ताकत कहो शब्द गुरु कहो सच्चा नाम कहो सतपुरुष कहो सब जिंदगी का ताकत दे रहे हैं उन्हें चलाने वास्ते की कीता है आत्मा लेके तेना शरीर कैद कीता क्योंकि गल है समझने वाली इस तरह दुनिया धोखे च सोच लो कि जब तक सोचो किन्ने कीते किन्ने तकलीफा उठाइया कुछ छुटकारा ना हुआ देख लो उन्हें तिना शरीर कैद कीता और पाप अर्पण का जाल पाया पाप उन बीज की कोट यह बीज है जिन्हें दुनिया चलती है यही महात्मा चरणदास कहते ने पाप उनके सत्य ही ठहरा ब्रह्मंड इन दोनों के मिट्टी और खंडू खंड विले जन को होता है पाप उनकी सूझ सो इतने भवजाल से बहुत रहे रोज सारी दुनिया पाप और कुंतु जी पई है बीज है जी ने दुनिया चल दी पई है पाप ने सारे ने बुरा किया है भी बुरा ठीक है पुण्य भी बुरा आत्मा वास्ते तो हथकड़ी है किसान ने लिखा है अच्छे कर्म से बुरे कर्म दोनों ही हथकड़िया ने एक लोहे समझ लो सोने समझ लो सोचो बुरे कर्म किते नरक च गया भरी जीने च गया चंगे कर्म किते चंगे जीने च गया ज्यादा सुरग च गया उसे कड़ा शांति है सुर्ग सुर्ग का सारे कर्म उसे कड़ा शांति है पढ़ के देखो विशिष्ट योग की लिखा उसे भी इसे सड़क पच लगी पी है जिम्मे इतने आदमी बड़े बड़े आदमी सड़ते हैं उसे भी सड़ते पे ने फिर उन्होंने सुख पोके उन्होंने सुख पोके जो फल खत्म हो गया फिर चौरासी तैयार है पिछवा ने लिखा है ये उरो आ जरा कीड़ा जाता पे ये कई दफा सुरग में राजेंद्र बनिया कई दफा शशि तक ब्रह्म बनिया अजय कीड़ा है फिर उन्हें सुरगा ने की फायदा सोचो इसे तक तक गए हुकूमत भी मिली है मौत अपने मौके से रोज रिटायर हो जाने रोज पढ़ते हैं अभी इंद्रपुरी में सिर पर मरना ब्रह्मपुरी ने चीनी रहना शिवपुरी का होगा काला त्रैगुण माया के अस्पताल ये महात्मा चरणदास कहते हैं जो पे काल पर्यंत न जीवे कोई तो भी हो नाश ब्रह्मा की संगी जो फिर देवन के माही जाके उतरे तो भी ना छूटे कर मुख घर ना छुटकारा तो ना होया तरलोक की तक छुटकारा नहीं कोई जीव सुखी नहीं तरलोक की तक कोई जीव सुखी नहीं सुख का देश चौथा लोक है जिथे जीव आया है वो चौथा लोक है जिथे आया है जब तक उसे नहीं पहुंचा असि कहने अपने घर सुख है जब तक उसे नहीं पहुंचा जब तक इन सुख नहीं किन्ने नट भज ले पपीहा जाए पुकारे पंछी नागे रोए तीन लोग फिर आए हूं मैं दुख लगे कोए लोग की तक देखे सारी बने दुखी है कोई सुखी नहीं सब कर्म के जाल च ने पढ़ भाई तीन लोग सुनो मनुगा तू भागा वाला
जो फकीर रो रो के चले किसी ने सुनी ना, कबीर साहब आए तो उन्होंने भी दुख दिता, गुरु नानक साहब उन्होंने दुख दिता, पलटू साहब आए उन्होंने दुख दिता, जिन्हें क्या थले दर्जे के फकीर भी हुए ने, नहीं भी नहीं वो अपने दर्जे के हुए ने, वो अपने अपने छुटकारा तो ना उपर गए ने रूहानी फकीर उन्होंने काल ने सुनने नहीं दी। कबीर साहब जिस वक्त आए पहले तो उन्होंने पिछे ना कोई लगे, पहले तो हम रिकॉर्ड छपे पे ने क्या सिकंदर लोधी को गए मुसलमान से पंडित सारे कट्ठे होके कि कबीर ने जला इन्हें सारा कुछ बगाड़ता, ना कुरान मानता है ना वेदा मानता है ना कर्मा कर्म मानता है ना होर मानता है, इन्हें सारे उजाड़ता बेड़े गर्क करता है, लियाओ बे उन्होंने दो फांसी सोच लो लियाओ दो फांसी, कद गंगा सीटिया कद शराबड़ा ग्याथी अगे सीटिया कद कुछ किया सोचो, गुरु नानक साहब नाइया कराइए दसते रहे सोचो। कबीर साहब कहने जल सी आए या हो ना कोई पेश की चली तो चार कबीर काल ने बना के बैठा दी, तुम कबीर कबीर करो जब थोड़े को आगे तुम वो कहे इतने तकबीर कबीर लगी पी है तो उन्होंने रास्ते उल्टा दो होर पास ला दो, असली चीज छड़ दे असली भगती च ना होना, यह होंगी आई है एक नहीं हर दफा होंगी आई है, गुरु नानक साहब गुरु नानक साहब काम रुकाया कद वास्ते आए सू क्ढन वास्ते सोचो इसे वास्ते आए, जेड़े जेड़े कोल रहे निकलता तो अखीर तक तक कोई पहुंचता है, कोई किसी दर्जे कोई किसी दर्जे लै सारे जाते हौली हौली चाहे जन्म लग जाए, ये धर्मदास कबीर साहब पास अठ जन्म च लग गए, गुरु नानक साहब का जीव खोटे कर्म कर लग गया नलका च गया फिर भी उन्होंने कढ के लिया पर उन्होंने छड़ दे नहीं पकड़ लैन वो ताकत अलग है वो ताकत अलग है त्रिलोकी तो परे दी वो छड़ दी नहीं फिर किसी ने जिन्होंने एक दौ पकड़ ले, अठ जन्म च लै गया गुरु नानक साहब जीव नरकां च गया उतों भी कढ के लिया है छड़े था ना छड़ी तो नहीं पर देर लगती है हूं कोई पहुंचता है, गुरु अंगद साहब तैयार होए जब तैयार होए तो कह गए कि गुरु अंगद साहब ने बुराई दी है ये थोड़ा कम करे हूं जेडे ना रहते थे कहते मैं कट्टा वह कहते मैं कट्टा देख लो मैंने मार छड़ी सारी दुनिया असि कहने हम बिच आया हम बिच गया हम जमया हम मोया ये वड्डी बुला है फिर धक्के की नहीं दिते गुरु नानक साहब के लड़किया ने संगत नहीं दिते दूजी जगह जाके बैठे बेचारे वह निमरता आए होंगे ने हूं जो ना निमरता रख तो सानू की सुहा जे वह ना निमरता रख सानू की सुहा जे गुरु अंगद साहब ने गुरु अमरदास हुक्म दिता तो उन्होंने लड़किया ने धक्के दिते लत्तां मारिया सोचो उन्होंने लड़किया ने लत्तां मारिया वो दूजी तीजी जगह बैठ गए कल उन्होंने भी कम नहीं धरन दिता क्यों दुनिया उजड़ जू फिर जे दुनिया उजड़ गई अपने घर पहुंच गए राज काते करे इतने दो साल कोई जमीन पाँगा उन्हें जमीन नहीं छड़ता उसमें छड़े सोचो ये मन का एजेंट है कल का और कोई कम नहीं यही कोई कम है क्या जीव न फरमाना पटका सीधे रास्ते में पैन देना बस या तो विषय कर या वह भगती करे जी दायरे की है। कबीर साहब ने लिखे एक जगह ऐ जीरा तू अमर लोग को आए खड़े बस काल हो फिर उन्हें क्या है किस तरह फंसे हो जोग जाप नेम वर्त पूजा बहुत प्रपंच पसारा हो जैसे बदित वो टाटी के देव सिवाचे से आ रहा हूं कहने जिस तरह एक शिकारी है देव एक शिकारी है जाल पा के दाने थले पा दिता है जानवर आता खाण उल्टा फस जाता है असि समझे जोग जाप के पिछे बर्त नेम वर्त पूजा च साडा छुटकारा हो उल्टा फस गया बंधना च जिन्हें कर्म धर्म ने सब ये हथकड़िया ने कर्म धर्म सब बंधना पाप संबंध ममता मोह संबंधना पुत्र धन जान देखा था जूरी माया का संबंध नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्ते हम एक छुटकारे वाली सच्चे नाम दी कह लो शब्द गुरु जी कह लो यह भक्ति है ये भी शांति है ये अमृत है इन्हें हूं शब्द गाया पीले प्याला हो मतवाला ए वक्त है प्याला पीण का पढ़ते रोज हाँ दो वक्त पढ़ते हैं क्या आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरु में पाया सह सिद्धि मन वजिया वधाइया राग रतन परिवार पर ये शब्द का बनाइया कि मैं ऐसा आनंद हासिल किया कि अंदर सतगुरु ने पा लिया किथे पाया सह सिद्धि सहज अवस्था वो है किथे त्रिलोक किते पार चौथे लोक त्रै गुणा में सहज न पाइए त्रै गुण परम पुलाए पढ़िए गुणिया कथिए जो मुंडो कुथा जाए चौथे पर में सहजा गुरु पले पाए
आनंद भया मेरी माया सदगुरु में पाया, सदगुरु में पाया सह सिद्धि मन वजिया वधाइया। राग रतन परिवार पर शब्द ला बनाइया, उत्थे अजीब राग होंगे पैने पर नचना पे अजीब खेल है, वो देखने वाला है, पढ़ने वास्ते तो नहीं भाई, तुम भी हासिल करो। जिम जिम मरते अमृत धारा मन पीवे सुन शब्द विचार, सोचो अमृत सब दे अंदर वसदा पे है, जब तक वो नहीं पीने शांति ने जन मन के बंद नहीं छुट सकते, इन्हें शांति नहीं आ सकती, मन काबू नहीं आ सकता। इको चीज है मन काबू करने दे, क्या वो अमृत नाम का शब्द का वही अंदर है, नौ ने तो अमृत प्राप्त का नाम दे ही में उसका विश्राम। सोचो अमृत एक शब्द है नानक गुरमुख पाया, वो शांति देने वाला है, बाकी कोई शांति देने वाला नहीं तो फिर चौरासी भटका फिर वो बेशक कर। सारिया दुकाने सतगुरु ने खोल छड़िया ने, कोई नहीं छड़ी। इतने देखो सारिया दुकाने ने शहर के बच्चे, कितने सब्जी खरीद लो, कितने आटा खरीद लो, कितने कपड़ा खरीद लो, कितने सोना चांदी खरीद लो, कितने हीरे जवाहरात खरीद लो, अंदर भी ऐसे तरह सब कुछ अंदर रखिया मालिक ने, अंदर भी ऐसे तरह ही है। गीता ने लिखा या घट भीतर देवी देवा यही में ठाकुर द्वारा, या घट भीतर काशी मथुरा यही में गर गिर नारा, या घट भीतर आए ले थे राम कृष्ण अवतारा, कहे कबीर सुनो अब्दुल यही में गुरु हमारा। सारे जेड़ी अंदर भक्ति करे वो भी अंदर आया, ये तो अंदर गया ही ना। कृष्ण भगवान ने लिखा है, सोचो जब विराट स्वरूप दिखाया गीता फोटो लगी पई है, देवी देवते अंदर दिखाए वो कब देखोगे, सोचो। उदो ने कहा कृष्ण भगवान ने पढ़ के देखो क्या कि मैंने अपने परम पद ले जा अपने काम, उन्हें कहा पहला अभ्यास कर फिर जा सकता है। वो अभ्यास वाली गले छड़ती सारे ने, सोचो अभ्यास वाली गले छड़ती, जब तक अभ्यास नहीं करता अंदर नहीं जाता, जब कुछ नहीं बनता। सारिया दुकाने खोल छड़िया, कृष्ण भगवान ने लिखा है क्या जेड़ा पुत्तां दी पूजा करता पुत्तां कोल जांदा, जेड़ा पितरां दी करता पितरां कोल जांदा, जेड़ा देव देवतां दी करता देव देवतां कोल जांदा। लिखा नहीं लिखा देख लो पढ़ के, जिन्हें नरकां जाना है भैड़े जिन्हें जाना है बेशक पिछे हो गए खूब कर रैश करे, क्यों भाई जे पुत्तां दी पूजा करता है पुत्तां कोल जाना बेशक करे, जे पितरां कोल जाना पितरां जाना तो बेशक, जे देव देवतां कोल जाना तो पूजा कर ले। जरा चिंता खेती करता शब्द गुरु जी नाम की, जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह ने कहा जागत जोत जपे ने सवासर एक बिना मन नायक ना ने, वो जागती जोत जी सारे मन काम करती उसका किसी ना मने, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे बत गोर मड़ी मठ भूल न माने, तीर्थ दान दया तप संयम एक बिना ने एक पछाने, पूर्ण जोत जगे कट में तब खालसा तेन खाल जाने, तां खालसा बनना जब जोत जगती हो, नाम की जोत अंदर है सब दे राम नाम है जोत सवाई सतगुरु मत कर लीजे, जब तक जोत प्रगट नहीं होंगी जब तक खालसा नहीं बनता, ना इस नाथ नहीं बने। वो कद हों वो नाम है तो सारे ही जर्रे जर्रे चाहे, जिम्मे इतने रेडियो आवाजा ने सारे ने जब स्विच लाओ तां सुन सकते हैं, इस तरह मार्ग की आवाज सारी है, शब्द दी शब्द कहो नाम कहो उदो सुन का जगह के अंदर है। ये सतगुरु की सेवा है, उन सुनना असि रोज पढ़ते हैं, सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए बंधन तोड़े मुक्त होए साचे रहे समाए। क्या बंधन केड़े तन दा मन दा तन दा लोक लाज दा सारे बंधन तोड़े, जड़ चेतन निगट खोले ख्याल नूं अखां दे पिछे इकट्ठा करे ते फिर अख खुलदी है, फिर वो शब्द नाल तुल पैंदा, फिर वो अंदरले कन खुलदे ने, फिर सुन सकदा है, ओ इहदे करदा रस्ता है। शब्द मिले तां हर मिले सेवा पर सब थाए, शब्द में रखिए तब पहुंचे दरबार, कहे कबीर तान देखिए बैठा पुरशमार। यही मुसलमान काजी रुकुद्दीन गुनान साहब ने कहा ऊपर खासे महल दे देवे बां खुदा है सुते बां न सुन सके रहा खुदा जगाए, कि तेरे अंदर मालिक खुद आवाज आंदा पिया तू आप चेतन ला चलना, तू सुनता ही नहीं अपने मारी जाना इतने इतने बंग देख जाना, सब दे अंदर बंग आंदा पिया। ये जड़ चेतन का खोले इतने आवे किसी अक्षिव नेत्र खोले ता इतो रस्ता मिलता है, ता आवाज सुन सकता है, सोच लो ता अमृत पी सकता है, इतो तो शुरू होंगे। इन कहने जिंदा मरना कबीर साहब कहने अमन उल सनातन हुआ तब जाने जब जीवित हुआ, जब मैं जिंदा मरिया सत आखना तिलक पिया जुड़िया फिर मैं सनातनी बन गया। वो नाम का तीर्थ है जेड़े सब दे अंदर है, मैं साफ करने वाला 68 तीर्थ नाम है एक्चुअली कट बना रहा, उसे कुदरती जोतां जगदिया पईआं ने, राग हुंदे पए ने जद राग सुनदा है जोत देखदा है नाम दे तीर्थ ना हुंदा, फिर आत्मा श्रेष्ठ हुंदी है पाक हुंदी है फिर आर्या बनदा।
फिर जोत नूं देखदा फिर खालसा बनदा है। सोचने कहा ना चल पा सच्चे सौदे वाले राह, बाहर तो कूड़ा है फिर बोलो, बाहर तो बिल्डिंगा ने कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनार पढ़ते ना पढ़ते कूड़ मिर्चे रह गई सारी दुनिया, कूड़ मिठा कूड़ माखियो कूड़ डोबे कूड़ ना खाने बेनती तुझ वाजो कूड़ो कूड़ 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 से बाहर तो फना है वो सत तक इतो शुरू होंगी, इतने आवे तो सच्चे सौदे का राह हों शुरू, बाहर नहीं वो नाम प्रगट करने का ना सच्चा सौदा है। सच्चा सौदा हर नाम है सच बाबा हर नाम गुरमती हर नाम बन गया तो मुल फरा नाम एक बाणी एक गुर एक शब्द विचार सच्चा सौदा हर सच रतनी पर भंडार वही बाणी है वही गुरु है वही शब्द है वही नाम है उन्होंने प्रगट करना यह ना सच्चा सौदा है, गलों का ना सच्चा सौदा नहीं, बाहर तो सारा कूड़ा है ये किस्म के स्कूल ने सोच लो फकीर ने अड्डे लाए अगर कितने बैठ के प्रचार करना ही है उत्थे कोई शांति आती सी भगती पाव की लहर आती सोच लो जे कि रूड़िया पे उसे कौन सी नंघ होगी बदबू आऊगी, जे बगीचा है उसे खुशबू आऊगी, देख लो इस तरह उसे भगती पाव के लाने शांति आती सी बस इन्ना फर्क है, मगर असली अंदर है जब तक अंदर नहीं जाता जब तक कुछ नहीं बनता, बस गल ही गल ने सारी दुनिया गल्ला गल्ला च रह गई कुछ नहीं बनता। गुरु नानक साहब ने होर फकीर ने बाब ने चक्की से बिठाया जे राम के पुजारी सन राम ने कृष्ण दे सी कृष्ण ते आया, सोच लो गुरफ दे सी गुरफ ते आया, शिव दे सी शिव ते आया, कोई नेड़े आया जिन्हें इस नूं खुश कीता सी गुरु नानक साहब ने आपे चक्कियां चलन लग गई, बस मालिक दरगाह चों पुछदा जिहड़ा कुछ करदा गल्लां ना बने फिरदे सारे, ना कोई सनातनी बनिया ना कोई आरिया बनिया ना कोई राधा स्वामी बनिया ना कोई नामधारी बनिया ना कोई सच्चे सौदे वाला बनिया, जिहड़ा अंदर जावे वो बनदा बाकी कोई नहीं बनदा, जे बन गया तो सब कुछ नहीं कुछ भी नहीं सोच लो हाँ, नहीं तो सारी दुनिया कर्म की जाल फसी पई है, सुनो किमें फसी है फकीर ने किसी सुनी ना दादू पिटदा पिटदा गया क्या दादू कह पुकारी कोई माने ना ही हमारी पंडित काजी वेद कतेबे पट पट मुझे लवारी वह तीर्थ वह हद को जाते बूढ़े भजल धारी ईसाई सब धोखा खाया पढ़न जील बेचारी हिंदू तुर्क ईसाई तीनों कर्म धर्म पछारी नूर जहूर खुदा हम पाया उतरे भजल पारी के कोई कर्म च फसया कोई धर्म च फसया कोई कितने फसया कितने फसया कहना मेरे को सुनता ही नहीं मैं नूर दूर खुदा देखे मैं कहना आओ तुम भी देखो कोई देखता नहीं कोई आता ही नहीं साफ लिखे है जुगन जुगन हम आए जनाई जुगन जुग से ताकत आती है जुगन जुगन हम आए जनाई कोई कोई हम समारा कह कभी सुर पहुंचाऊ सतपुरुष दरबारा जरा कहते कोई कोई जिरा सा तिलक पिया जिरा तिलक पिया लै गए सोचो जिरा तिलक पिया लै गए बाकी इस दिन दुनिया रही निंदा ही करती रही किसी ने फायदा ना उठाया सुनो पलट साहब कहते ने हां कीमती जन्म सी जिसे वास्ते देवी दे तरसते पे ने मुसलमानों की किताबां जाया है कि खुदा ने आदमी बना के फरिश्तियां नु क्या देवी देवते ने हुक्म दिता कि इन्हें सिजदा करो सबसे उच्ची जून है क्यों उच्ची जून है लख 84 जून सवाई मानस को प्रभु वडियाई क्या वडियाई इस मार्ग की प्राप्ति कर सकता होर नहीं होर किसे जून च नहीं कर सकता इस पौड़ी ते जो न चुके सो आए जाए दुख पाए ना फिर गधे घोड़े बनता फिर बिशक बने हाँ हाँ जी लोक तेरा गया दिला गया इन लोक तेरा गया बिना बिना विचार विवेक मैं सब वेक भानी बिना वा संसार जाटू पर मरानी कहने जिस तरह जने दे नाल दा कोणा भी पीछे जांदा है बस चंगे माड़े कर्म वाले सब पीछे जांदे ने ते लोकी तक जिने जीव ने कर्म जाल फसे पए ने खुशा भी कर्म चंगे कर्म करी जाओ छुटकारा जो नहीं हिंदा कर्मे कर्म काटे नहीं कर्मे कर्म न जाई कर्मे कर्म छुटे नहीं कर्मे कर्म बनाई ने कर्म हुंदा है सोने कर्मी जो शब्द विचारे जेड़ा मेरे शब्द गुरु तल्लुक जोड़े ने कर्मी बन सकता है कर्म कटने वाला बस कोई कटने वाला नहीं ना कोई गुरु कटने वाला बाहर ना कोई होर कटने वाला कबीर साहब का शब्द सी हुणे क्या पीले प्याला हो मतवाला प्याला अमीर अस्कारे पाप उन भुगतन को आया सोचो जेडे असि जे शरीर ने ये पापा पुना दे बने बने इस काय अंदर पाप हों भाई दोवे मिलके सृष्टि पाई
दोवे मार जाए एक घर आवे गुरु सहसमी है इन्हें परे निकले पाप और पुन से जिन्हें साढ़े शरीर ने यह पाप पुना दे कि सोचो चंगी है खेती माड़ी है किसी किसे दाग है किसी किसे दाग है कोई काला है कोई गोरा है एक कर्मा के हिसाब ने कोई जमदे है अजे पूरे होंगे ने कई कोई बीमारी लगी है जमदे नहीं वो पुराने कर्म ने यह भुगतने ने यह भुगते बगैर छुटकारा नहीं अपना किया आप ही पावे पुरा लफ दो नाम कहावे सुन दो पूर्व जन के किए सो जाने जिन दाता दिए किसको दोस्त है तू प्राणी सब अपना किया प्यारा है ऐसा भुगतने पड़ने का ऐसा भुगतला है जिन्हें सारे पुन होंगे ने वह सुकर चले जाता है जिन्हें सारे पाप होंगे नरक चले जाता है जिन्हें कुछ पुन होंगे ने कुछ पाप होंगे ने इस दुनिया चला जाता है जो पुन ज्यादा ने पाप थोड़े ने तो जरा सुखी जीवन बतीत कर जाता है जे चंगे कर्म थोड़े ने पाप बहुते ने तो दुखी जीवन बतीत कर जाता है यह कर्म का सिलसिला है तू भुगतला है अगर छुटकारे का बंदोबस्त कर फिर मैं इतने आना पवे कितना दुख सब दे राते तेरे जाए कर्म से लपटाते देखी देखा पड़े आप से आप करावे तेरे से जो बचे ताने को हंसी लगावे तेजी पर पहले तुझे तो सारी देते हैं याद आता है सोचो इस तरह होंगी गई है इंसान जी कहने भी तेरा बाप तेरे अंदर है वो सुखा में दाता है तेरा सतगुरु तेरे अंदर है उन्हें खुश कर ला मौत वक्त फिर मौत अंदर मानमाल अंदर जमदूत अंदर सोचो आत्मा अंदर रोंदा है कलांदा है अस को बैठे कोई मदद कर सकते हैं धर्म स्थान बाहर सोच लो तीर्थ बाहर सोच लो बाहर वाले गुरु बाहर कौन छिड़ावे अंदर आया कभी इन्हें खुश ना किया सोचो ये धर्मदारी कभी इन्हें खुश ना किया अंदर आया उन्हें खुश ना किया कौन छिड़ावे उस पर कौन सही हो गए हाँ बस यही फिर आने लगे फिर उसे डेरा ही बने हाँ जी देखी देखा इस कह रहे आए हैं बस हारे होते आए हैं होते आए होते आए होते आए बस हाँ सुनना ही नहीं फकीर सुनने नहीं काल ने सुनने नहीं दी हाँ जी देखी देखा पड़े आप से आप तेरा है पलटू में रोन लगा चलता बोलू देखा तीन लोग तेरा गया बिना विचार देखा बड़ी साहब कह रहे मैंने रोना होगा अपनी हालत देख के कहने का हाल की हो कहां जाके हूं तो कोई मानता नहीं सोचो नुकसान जी क्या करते थे तेल की भी चिन्ह उन्होंने
देखो भैया सारी बने शहर से दिल्ली गए थे सही गल है जमन मन विसारिया मन मुक्त गवार अपने अपने धंधे जिसे लगी लगी है सोच लगा जी पगती लगी लगी विचार नहीं मेरे को फायदा होया नहीं होया उम्र बीत गई सोचो किसी पगती लगे कभी सोचा किसी ने भी मेरा काम नहीं कटिया जी क्रोध नहीं कटिया लोभ नहीं कटिया मोह नहीं कटिया कोई शांति नहीं आई फिर धर्म का भी फायदा होया सोचो फिर धर्म का भी फायदा जी कुछ भी ना होया कोई तो तसली हो गए जे हुणे सोचे एक दो जमात नहीं किया मर के दिए में हो जूगा कुछ तो हो गए तसली जेड़े काम करते हैं कैवें मेरे सिर साडा ठीक है साडा ठीक है साडा तो तसली ही आप हो गए हाँ बोलो नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला बोले सब ने एक अकेला जो कोई गुरु चेला कर जाना सो सो पड़े नरकी खाना एक बोल सब माही बराजा गुरु चेला साजा दो बन गए फिर तो मल किथे आऊ चेला होए नीक बीज भाई गुरु होए तेरा सिंचाई सोचो चेले का फिर भी छुटकारा है कि नीमा तो होया ओहकार ना पड़ गया मैं गुरु हूं जिन्ना चीज आई है वो अति निमित्ता ना करे होते ने वो कदे नहीं कहने थी गुरु कोई चीज हो रहा ठीक है नहीं मनान था कौन आने था नीच कर्म सोचो कौन आने था नीच कर्म गुरु जी से ठीक है जो हम तो परमेश्वर किराए तो नरकुंड में करें वो को दास तवन का जानो या मैं भेद नरक पे जानो कि जिन एक है मैं गुरु हूं मैं परमेश्वर हूं मैं कहीं बन गया तब सीधा नरक में जाओ मैं तो दास हूं इंसान जी क्या कर रहे हैं सेवादारी जोड़े जाने वाले ए नहीं तो गल्ला ना बन के दिखाया उन्होंने सोचो उन्होंने बन के दिखाया जैसे हां सेवादारी जोड़े बने सेवा का मामला तो दादी दीन तक मार गया सब की कहने नहीं कर ले सौदा पार लगड़ का आगे आगे हसड़ी बाजार भी नहीं आओ मेरे राजा आओ मेरे दाता सोचो काले वास्ते कहने थी और मिंता कर करके विकी में जावे मिठाइया खड़ा खड़ा के नुकसान कपड़े दे दे विकी में लगे कोई नाम जपे कोई अंदर शांति हासिल कर लेकिन खेड़ी घर थी तुम सोचो गिल्ली गुफा रहे पर कोई बिल्ला सुनता कोई इसकी से बिल्ले ने सोचो ऐसे एक रिकार थी गौर में सुने पहले तो सी गए की लिए मेरी चोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत पर तेरे चोली मगे की भगवान की मैं चोली बने जब असि गौर में सुने पीछे जाके आया क्या तू अपना सत भाई मैं तेरे द्वार से खड़ा मैं तेरी कपी मंगना केड़ी ए बाहरली दुनिया का ख्याल छड़ दे तेरे छुटकारा हो जाए बोलो सोचो किवें खड़ी आज लुटा दे सब कुछ अपना मान लिखा ना मेरा बोलो ये सारे ख्याल निकाल दे अंदर फकीर आंदे ने जेड़े मालिक दरगाह चो बेसर सो की सारी सेवा करते ने किसे कोई इच्छा नहीं रखते जेड़ा इच्छा रखता वो फकीर है नहीं दादू साहब प्रीखिए अंतरात्म दे मन माई माया रहे आपके आप देखो कि हाल की होया पे लगी पई माया 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 तू कहना भंडारा करना तू कहना मैं ये करना तू कहना वो करना किसे हिसाब ना आवे सोचो ओ बेगर धोखे सेवा करते ने उन्होंने कोई है क्या तू नाम जप ले बस जेड़ा जेड़ा कोई मंगा जिदे अंदर इच्छा है वो फकीर है की मैं सुनाया दादू का दादू साथ प्री की अंतरात्म दे मन माई माया रहे अपने आप ले उन्होंने मालक मालिक की है फकीर लेंदे भी कुछ नहीं छड़ते भी कुछ नहीं किमें तुम्हें नहीं लेंदे या तुम्हें नहीं छड़ते जब राजा जनक ने ज्ञान मंगया दशरथ भगत ने क्या ज्ञान भी दक्षिणा दी है क्या कि तन मन से धन वो कहने लगा मैं देने तैयार हाँ कहने दे ला मुश्किल है कहने की मैं देने तैयार हाँ तो कर सुन कल उन्हें संकल्प करता जूझ छड़ती अच्छा भाई तन मेरा है कि यहाँ जा जुते निभा जा क्यों बिठाया राजे ने सामने दिते बैठने को आसान है और लोग लाज कटने वास्ते हंकार कटने वास्ते राज पढ़ने सोचो बैठ गया
फिर ओ ख्याल महल जावे खजाने जावे होर समाने जावे कहने खजाने मेरे ने भी हाँ महल मेरे ने भी हाँ इधर ख्याल न लिया उन्हें बाकी ठीक है मैं दे चुके हैं। फिर हम मन संकल्प कल्प उठाऊंगा कहने भी मन मेरा है कि जी हाँ इन्हें संकल्प कल्पना था उनको प्राणी भक्ति थी जब उन्हें रोकिया ख्याल अंदर लग गया रात आ गया ज्ञान हो गया कहना क्यों भाई ज्ञान हो गया कि हो गया कोई कसर नहीं संभाल अपना तन मन धन उन्हें को अपना तन ही नहीं सामने जाना सोचो उन्हें को अपना मन ही नहीं काबू आया लोगों ने उन्हें की करना है उन्हें पास होता ना है उन्हें पास होता ना जिन्हें मेरे ने कहा पाए रे मेरे नाम रतन धन पायो जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रे समायो जिसकी चोरी का गुना हो गया तो धन मैंने पायो कर तू लाख नहीं हो दिन वर्ष वायो उन्हें एक तन की करना है जिन्हें को करना है जिन्हें वो तन ले लिया जिन्हें रस ले लिया ठीक है मेरे रामदास वसुधा सब दीप है सागर कड़कन चिनकार के नीचे मैं ठा करके जाने इन्हें न मंचे हर मांगे हर रस दीजे तो हर रस मांगने में जितने सारी दुनिया दौल दीप पास कट के रख दो सियाण दी नहीं सोचो ना की करना बोलो ओ साडे तन मन दे बंद तिरौण आउंदे ने सोचो ठीक है गुरु सच रोज पढ़ने सच्चा नाम मेरा आधार सच्चा नाम आधार मेरा जिन मुखन सब दवाइया अगर अंदर नाम आ जाए सारे मुखा मिट जाण सोचो है क्यों करते फिर जब नाम आंदा अंदर शांति आ जाती मन काबू आ जाता काम करो लोग घर वास्ते आ जाते वो ऐसी लगते था मुकाबले को लगते नहीं सब लगता भूल जाने दुनिया हाँ हाँ जी बोलो धर्मदारी फिर बोलो हाँ जी सुनो गौर नाल हाँ सुन तो लो जे अंदर ख्याल भी पै गया तभी कदे ना कदे कोई मालिक सुन लेंदा हाँ कीमती गल समझण वाली फिर बोल राम नाम की चौपर राम नाम कहने ने रमे हो नाम राम कहने ने रमेता सो रामा जी चीज जरे जरे च रमी कहने ने राम तो शब्द रूप नाम रूप ईसा ने फट गया मुसलमान कलमा कहने कलाम लाई कहने ने बांगे आसमानी कहने ने मर्द सच्चे मर्द की आवाज है इन्हें लफ्जां च नहीं जे इन्हें लफ्जां च हो गए जे पंजाबी हिंदी दे हो तो साडे वास्ते बाकी मुल्क किधर जान बाकी कौम किधर जान जे अंग्रेजी दे हो गए तो अंग्रेजा वास्ते बाकी किधर जान सोचो जे जर्मन दे हो तो जर्मन वास्ते बाकी किधर जान नहीं सब साझा सब अंदर इको है तो लेकिन पढ़ से परे है चेन बरनी छाया माया नाम शब्द पछाने एक भी शब्द है शब्द शब्द सबको कहे बैठो शब्द दे जीवा पर आवे नहीं निर्भर कर ले एक पट साहब ने कहा नाम डोरा गुप्तू नहीं जानता ने अक्षर ने रूप दिस नहीं आता लेकिन पढ़ से परे है एक मुसलमान फकीर कहने में सब एक कोई तालीम है वो मर भी कुदरती आवाज है सब जगह सब जिंदगी ताक दे रही है सब दे अंदर है उन्होंने कहे राम नाम रोम रोम रवे हर नाम पढ़ते हैं रोज रोम रोम रवे हर नाम रोम रोम दे विचार गुरु नानक साहब मिठन को दे
ਉੱਥੇ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠਾ ਫਕੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਰਮੀ ਧਰਮੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੀਆਂ ਮਿੱਠਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਗੈਰ ਜੀਵ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨੀ, ਬੰਧਨਾਂ ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨੀ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਸਤੂ ਉਹਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕੀ, ਦੱਸੀਏ ਕੀ, ਸੋਚੋ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਦੋ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਆਗਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਓਗੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ? ਸੋਚੋ, ਜਦ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੀ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ? ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਖਾਵੇ? ਸੋਚ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਪਰੇ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕੁਛ ਅਗਲੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਰਮਾ ਕਰਮਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਵੇ ਹਰ ਨਾਮ, ਸੋਚੋ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਵੇ ਹਰ ਨਾਮ, ਜਰੇ ਜਰੇ ਚ ਉਹ ਨਾਮ ਉਹ ਸ਼ੁਸ਼ ਮੰਡਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਜਦ ਜਲ ਚੀਜ਼ ਖੋਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲਾ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤਲਾਏ, ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਸਾਚੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਮੰਗੂ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ। ਇਸ ਜਗ ਮੇ ਨਾਮ ਅਲੱਭ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੇ ਮਨ ਆਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਸ਼ ਮੰਡਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲਾ। ਕਾਇਰ ਨਗਰੀ ਮੰਗਣ ਚੜੇ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਪੱਲੇ ਪਾਈ। ਸੋਚੋ, ਗੁਰਮਤ ਨਗਰੀ ਖੋਜ ਕੇ ਜਾਏ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪੂਰਾ, ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ? ਉਹ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਚਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਪਾਖੜਾ ਤੇ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਬਾਂ ਜਲਾ ਲਓ, ਸੁੱਖ ਲੈ ਲਓ, ਬਲਬ ਜਲਾ ਲਓ, ਸੁੱਖ ਲੈ ਲਓ, ਆ ਸ਼ੋ ਬਣਾ ਲਈ, ਸੋਚੋ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚਲਾ ਲਓ, ਸੁੱਖ ਲੈ ਲਓ, ਬਿਜਲੀ ਚਲਾ ਲਓ, ਸੁੱਖ ਲੈ ਲਓ, ਪੱਖੇ ਚਲਾ ਲਓ, ਸੁੱਖ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੋ। ਸੋਚੋ ਜੇ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਈਏ, ਛੱਡਾਂਗੇ ਵੀ? ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਸੜਨ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੰਟ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੜਦੇ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਸ਼ੀਲ ਸ਼ਿਮਾ ਸੰਤੋਖ ਤੇਰੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀਨ ਤਰ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਲਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜੇ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਮਕੈਨਿਕ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪਕੜਾ ਦੇ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਪਾਖੜਾ ਪਹੁੰਚੂ। ਸੋਚ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਕਰੰਟ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਕੀਰ ਮਿਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜੋੜਨਾ ਸਿਖਾਵੇ, ਇਹ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮਲਕ ਦਰਗਾਹ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰਵੇਂ ਨੇਤਾ ਧੋਖੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਦਨਾਥ ਹਜ਼ਾਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਬੁੱਲ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਨੇਕ ਅਨਾਹਤ ਅਨੰਤ ਚਿੰਕਾਰ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਕੀਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸੁੱਚ ਲਵਾਵੇ। ਸੋਚੋ, ਅੰਦਰਵੇਂ ਨੇਤਾ ਧੋਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਿਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਕੀਰ ਤੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਲਕ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਲੈ ਜੇ ਤੇ ਲੈ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਵਗੈਰ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਮਿਲਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਤੜਪ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਲਗਨ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਫੇਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਵਾਨੀ, ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਕੀ ਦਰਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਪਾਸ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਉਹਦੇ ਪਾਸ, ਗਹਿਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸ, ਸੋਚੋ ਹਕੀਮ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੇ ਪਾਸ, ਕਿਆ ਕਮੀ ਸੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ? ਉਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਅਬ ਮੈਂ ਕੌਣ ਉਪਾਏ ਕਰੂੰ, ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਮਾਲਕਾਂ, ਮੈਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦਾ, ਮਾਲਕ ਮਾਲਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕਿਰਪਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਰਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗੇ ਸੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਗੇ ਉਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਕਿ ਉਲਟੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੜਪੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਾਈ ਦੀਵਾਨੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਨੇ ਬੁਝੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮੰਗੇ, ਇਹੀ ਵਸਾਈ ਦੀਜੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਦੁੱਖ ਕਾ ਮਾਰਾ, ਹਮ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੀਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਕੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰ ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਟੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਭਲੇ ਦਿਨ ਸੋ ਆਏ, ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਧੂ ਇਹਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਕਾ ਮਿਲਣਾ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਰਾਮ ਦਾ ਸਗਾਲਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਮਿਲਣਾ ਦੂਰ, ਪਲਟੂ ਸੰਤ ਕੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਰਾਮ ਸੇ ਪਰੇ ਰਖੂ, ਐਸੋ ਰਾਮ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸੋਚੋ
डॉक्टरी सब दे अंदर है, इंजीनियरिंग सब दे अंदर है, होर सब दे अंदर है, मगर बगैर उस्ताद नहीं मिलते। अपने आप नहीं अंदर परमिट होंगी, सोच लो इसी तरह राम साहब दे अंदर आया। जब तक पेटी फकीर न मिले, जब तक जिसके अंतर वैसे निकाल किसकी सीख करे संसार। दात अपने हाथ रखी है, रोज रोज पढ़ते हैं बाणी जी ने किया धर्मदारी मेरा सतगुर एक भी शब्द है बुलंद साहब की कहने आपे ही सब आप प्यारे आपे थापे थापे आपे वे कृष्णा प्यारा करते हो जे खेपरा वापे आपे वनखंड सब था प्यारा आपे गुरु जापे आपे गुरु का चोला पौंदा आपे सतगुरु आपे चेला उपदेश करे प्रभु आपे आपे सिंगी नादा प्यारा तुम आप बजाए आपे आपे तीर सुनड़ा प्यारा सोचो आपे नाम जपाएगा प्यारा आपे जब जापे उन्हें दात अपने हाथ रखी है बिंदा उन्होंने है जिन्हें सच्ची तड़पा सच्ची लगना सच्चा प्रेम है बाकी ना ए ओ ओ दे हाथ क्या हाँ ए सतगुरु जी मुक्ति का दाता है बारह हजार गुरु कालो कदे छुटकारा नहीं जब तक नहीं हाँ जी जिन्हें पूछो गुरु मेरे जिन्हें पूछो मैं तो गुरु किता जिन्हें पूछो मैं तो नाम लिया नाम कितने नाम तो अलग चीज है पढ़ साहब लेते ने पढ़ भाई कुछ बताओ नाम नाम सब हाँ जी नाम नाम सब कहते हैं नाम सपाया कोई नाम नाम सब कहते हैं नाम न पाया कोई नाम न पाया कोई नाम की गत है न्यारी वही शब्द को मिले जिन्होंने आशा मारी कह नाम अजीब दौलत अजीब चीज है मिलती किन है जिन्हें दुनिया आशा कृष्ण छिटी उन्होंने मिलती है एवं नहीं दुनिया तो बढ़िया पे हां एक एक ख्याल पूरा होता है फिर खड़ा कर लेना एक होर ख्याल फिर खड़ा कर लेना अगे अगे बढ़ते ही गया मार का वही करता एक सुथरा सी उन्हें बनाया मकान उन्हें पूछा भाई कच्चे मकान होंगे उन्होंने छत थमिया दें छत मजबूत किने हो गए अरे जी थमी दे जो थमिया देने लगे थमी 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 आप भी बाहर समान भी बाहर उन्हें पूछा भाई ये एक ही गल कि खड़ा है इतने समान क्यों बाहर रखे है अंदर क्या क्या अंदर जगह होंगी होर थमी ना दे लेना सोचो अंदर दुनिया के ख्याल पड़े माल कोई बसारता थमी अंदर कटता है अंदर थमिया पाइया पाइया ने कितने आ गए माल को बोलो सोचो ए कम लेना सी जिम्मे उन्हें मकान से कम लेना सी ए जिसन पाल के कम लेना पालन पालन के बंदोबस्त अगे निकल गया सारी उम्र बोलो अगे ते अगे अगे ते अगे होर बंदोबस्त बधा ही गया जे कपड़े का ख्याल पिया पहला कहना तन टक जाए खदर हो गए खदर हो जाए फिर कहीं लठा हो लठा हो पाप नहीं हो फिर कैलरी न हो बाधा ही बाधा चला गया उलझ गया जे खाने चाहिए ना जुलझ गया जे मकान चाहिए ना जुलझ गया सोचो अंदर थमिया गालियां अंदर कितने आवे मालिक बोलो हाँ नाम न पाया कोई नाम की गत है न्यारी दूजरे लो जेड़े पक्षी करते हैं उन्होंने विहान है एक शब्द आता है जगजीत साहब का कि पंडित अपने पंडिताई भुल गए जोगी जोगपने भुल गए तपस्या तपस्या भुल गए सोचो कोई छठ दर्शन भुल गया तीर्थ ना ना के मन साफ ना होया कहने सारे भुले नाम का किसी को ख्याल नहीं अंदर प्रगट करने का हाँ नाम न पाया कोई को मिले जिन्होंने आशा मारी दे लो जे थमिया खड़े लगे कितना टाइम लगता है तो चेक मकान में थमिया खड़ो तो कितना टाइम लगूगा सारी दुनिया का ख्याल करने कुछ काले पे ने जे थोड़े थोड़े खड़े तो मालिक अंदर आ जाता उन्हें वसना जाता इन अंदर रास्ता मिल जाए और फकीर के जरिए रास्ता मिलता है जेड़ा फकीर रास्ता देंगे ने वो चेडी ताकत जो बिजली से मशीन ला देने बहुत कम करने लग जाती है इस तरह मेला कटने लग जाता पर पता ही नहीं बाणी पढ़ते हैं पता नहीं
क्या पढ़ भाई तू से बोल चला बोल छड़ ओ बोलो कि ना जाकर मुश्किल दो कड़ियां बोल ये शब्द है गुरु साहब का जाकर मुश्किलात मने कोई कोई ना दे ये विच आंदा है ये दसदे हैं उन्हें साफ जाहिर किया है जेड़ा फकीरा है तो सर नाम है सिमरन है जेड़ा आम दिन सिमरन च कितना फर्क है हां लफ्जां च नहीं लफ्जां हरेक दस सकता दो लफ्जां हरेक दस सकता वो कोई होर चीज है जेड़े मालिक के हुक्म फकीर आंदे ने उन्हें दरगाह जाना होंदा जंदा है जिम्मे इतने कोई भर्ती करना होंगे वह भी फकीर आते हैं जिम्मे इतने किन्ने भर्ती आए आते हैं कोई कलर्क भर्ती करना होंगे कोई पटवारी भर्ती करना होंगे कोई तहसीलदार भर्ती करना होंगे सोच लो कोई सिविल सर्विस से आता है कोई सेंटर से आते हैं मैं इसे तरह अंदरों भी आते हैं अपनी अपनी भर्ती सिखाते हैं जिन्हें का नाम दर्ज हो जाए बस वो है वह नाम है हाँ जो लफ्ज ने किए लफ्ज बदलते ही रहने बदलते रहेंगे हाँ सुनो की कहने ने आगे बोलने तानिया अगर कोई आदमी काम क्रोध वास्ते हो गए पैसे पीछे इन लोभ भी हो गए पैसे पैसे पीछे मरदा हो गए हाँ सुनो गौर नाल की कहने ने एक ही कड़ी भी लगे पानी दी एडा खोल दिया कोई ठिकाने नहीं पर कोई विचारदा ही नहीं हाँ काम क्रोध मोह किया क्या चोरी डकैती भी जाता है शराब कबाब सोचो राक्षसी बुद्धि बने एडा पापी है कभी मालिक का नाम नहीं सुनिया कोई कल की आवाज भी नहीं पई सोचो अगर कोई ऐसा चीज मिल जाए तरीका दसे वो जपे तो थोड़े जे नाल छुटकारा हो जाता बहुत कुछ ऐसा हो जाता सोचो यह अखीर फैसला देंगे वो कितों मिलता है दूसरे पास ले लो ये तो यह है जो फकीर वाला नाम है दूजे पास लो जो आम दुनिया करती है सास
सारे शास्त्र सिमृतियां वेद सारे जुबानी याद हो बोलो। हाँ तप करता हो जोग साधता हो अर्थक तीर्थ की यात्रा भी करता हो उसे भी नहा के आवे। हाँ तप तपी तरे जोगिया खटकर्म क्या विद्या पढ़ना पढ़ाना या करना दिखाना दान देना ते लेना दुगने क्या बाहर ठाकर मंदिर पूजा भी सब कुछ करता हो गए। हाँ खटकर्मा दुगने अजी काम सुरगा नहीं जाना कहीं नरका नहीं जाऊ बोलो गुरान था तो पूर्ण ताकत फैसले ने एक जब तब संयम काया कसना शंख जोग वरदाना या ते नहीं ग्रंथ मेला गुण हर कर्म बनाना सारी बंधन ने सोचो। हाँ कितने हूं फैसला दें के कितों मिलता हूं अखीर क्या के। हाँ जी कृपा करे जिस पार दम ओ कह जिथे ओ पार ब्रह्म जो ब्रह्म से पार शक्ति है वो मेहर करे ता साधु मिलता है। साधु किन कहने ने ए नहीं रंगे कपड़े पाले साधु बन गया चोले पाले साधु बन गया साधु किन कहने पार ब्रह्म हृदय साध हृदय वसे नान कुदरे साध सुन रसे जेड़ा ब्रह्म से पार पार ब्रह्म जाना ओ ना साधु है। तू सब कहने ने साध सोई जिन ए गल लीना नौ दरवाजे प्रगट कीना इस मंदिर के नौ दरवाजे ने दो अखां दे दो कन्ना दे दो नक दे छी एक मुंह दा साधो टटी छाप दे नौ दरवाजे प्रगट कीना दसना खोल जाए जिन दीना जहां कुफर राय मारा है इथे ए अंदरला खोले दसमा फिर आगे सेत सुनना भाई मान सरोवर बैठन आई अगे मान सरोवर आया अमृत अगे जाके मान सरोवर आया अमृतसर जी कहने पराग जी कहने नाम का तीर्थ था उसे मान सरोवर बैठन आई हंसन मिल हंसा हो जाए मिले जो हमें हारा है उसे अमृत का हारा है वह अमृत पींदे ने साधु है जेड़ा सचखंड जाता सतलोक जाता है ओदा नौ संत है गलां दा नौ संत नहीं। हां हां जी कृपा करे जिस पार दम दो दिन कपड़ा पाउंदा बन गया साधु बन गया चलो भाई। हां कृपा बिरला किन्ने साधु ने तुने सोच लो पहला सुनदे थे 52 लाख है हुन तो पता नहीं किन्ने लाख होने ने कन करोड़ा ते पहुंच गया उन्होंने किटी ते किटी साधु निकलता है लेकिन होने ने दो चार किते सारी दुनिया च। हाँ जी कृपा करे जिस पात्र है जिदे मालिक मेहर उन साधु संग मिलता है। हाँ उसकी मेहर ते बगैर ना। हाँ जी कृपा करे जिस पाए दम ओ मे साधु संग सतगुरु
ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਨਾ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ, ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸਾਧ ਕੋ ਚੀਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਕੰਨ ਪਕੜਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਨ ਪਕੜਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੂਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਚ, ਉਹ ਅਗਰ ਪਛਾਣੇ ਮਾਸ ਐਮ ਬੀ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਹੈ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਐਮ ਏ ਹੈ, ਬੀ ਏ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਸੱਚੀ ਤੜਪ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਬਸ ਫਿਰ ਦੁਰਲਭ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਧ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਦੁਰਲਭ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼, ਫਿਰ ਗਾੜੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਰਲਭ ਕਰਬਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਔਖਾ। ਤੇ ਜੇ ਜਪਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਦੁਰਲਭ ਪਰ ਚਲੇ, ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਧ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਇਆ, ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ आए न जाई फिर सदा साहिब ने माने साहिब ने माने साहिब फिर बोल राम नाम राम ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚੋ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਚੋ ਕਿਤੇ ਤਵਜੋ ਪਾ ਲਓ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਹਰ ਤਵਜੋ ਕਰਤੀ ਮਿੱਟੀ ਚ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਡੰਗਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਤਵਜੋ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚੀ ਸਿਰਤੀ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਟ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜੇ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜੇ। ਸੋਚੋ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਦੀ ਪੂਜਾ ਤਵਜੋ ਕਰੂ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਬਸ ਗਲਤ ਆਇਆ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਨਰ ਸੁਗੁਰ ਖਿਲਾਰੀ, ਜੇ ਸ਼ੀਲ ਸ਼ਿਵ ਸੰਤੋਖ ਦਿਲਾ ਲੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਸੁਰਗਾਂ ਚਲੇ ਜਾਊ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ। ਸੋਚੋ ਜੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਓ ਤਵਜੋ ਇਹ ਤਵਜੋ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਲ ਛੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਲਰਕ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਸੋਚੋ ਮਿਲਦੀ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੇ ਭੂਤ ਬਣਨਾ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਕਰੇ, ਪਿੱਤਰ ਬਣਨਾ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਰੇ, ਦੇਵ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਾਮ ਕੋਲ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਰੂਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਬਸ ਗਲਤ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਜਿਸ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੁਗਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ। ਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ, ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊ ਖੁੱਲ ਖੁੱਲ ਕਰਦਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਚਿੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਾਂ ਨਾ ਜਿਸ ਨਾ ਛੱਡਾਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਹੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਮੰਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਨ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਰਕ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਅਰਕ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਰਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਦਾ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ,
मैं छड़ चले अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे सत जून वाला लतरे सत जून ही मिलती है आदमी तंग भी मिल गया माया का प्यार उसे बैठा दो एक एक क्या नाम है गोनिया ने मंदिर का कोई आदमी फिर नहीं आया उन्हें सुनाया उसे भाई कन्हैया का गुरुद्वारा है वो गुरुद्वारे कोई कमाई वाले रेंदे रहे कहना उसे कोई फकीर आ गया उन्हें कहा भी मैं जाना तीर्थां ते मेरी गोदड़ी रख लो हूं मैंने इस वे जरूरत नहीं मैं क्यों बहुत चिका तो चंगा भी अंदर रख जा रखती चंगती वो चलिया गया दो तीन साल ना आया वो फकीर ने पूछा भाई वो फकीर तो आया नहीं तो गोदड़ी तो देखो गोदड़ी तो लियाओ या गोदड़ी चकी निकले सप कारियो ना जब खोली निकले कुछ मोहर दो चार बोलो कितने मरिया कितने आगे सप बने बोलो ठीक लिखे उन्होंने अंतकाल जो लक्ष्मी सिवे ऐसी चिंता में जो मरे सर्प जून वाल वाल उतरे तो मायरा प्यार कर लो बैठ जाओ बेशक बनो सब तू अंतकाल जो लड़के सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे शुक्र जून वाल वाल उतरे अगर बच्चे ने ख्याल है नाल लै गया ख्याल तन भी मिल गया सूर दी जूनी मिल गया पीछे बच्चे पीछे रज ला भाई अंतकाल जो मंदिर सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे प्रेत जून वाल वाल उतरे कर कर प्रेत ने उन्होंने ख्याल खिताए ने सोचो जो मर्जी तरीका अख्तियार कर लेना जीवन लैके जाना किसी तरीके ने ले जाने ना कम सवाल ना मजद सवाल ना किसी होर का उन्हें जीवन लगे जाना है क्या सेवादारी बढ़ना देखो रामानंद कहने ना तुम सारे गुरु से असल गुरु वो थी वो रास्ता दिखाने वाला थी सोचो वो रास्ता दिखाने वाला थी उन्हें चेला बन के सोचो उन्हें लेके गया किमें ने किमें लेके गया सोचो वो कर्म से सोचो बढ़िया गया थी वो रोया करे ईसा ने पूछे तो रोना क्यों है कहने लगा जी मैं जरा वजीर है ना इसनों कसीट कसीट के मारिया इन्हें हम मैंने कसीट कसीट के मारना मैं तार होना मैंने जब गल याद आती है सामने आंदा नक्शा मैं तार होना तो कबीर साहब फिर वजीर के दरवाजे से गया उसे बैठा रहा उन्हें पूछा कबीर तू क्यों बैठा है वह भी कमाई वाला से कुछ क्या गल है वह कहना भी गल आया हूं तू आया कसीटना मैं माफ कर दिना पर मारना माफ नहीं करता कोई जंग लगी सी वो तीर नाल मरिया सोचो सरपंची पी है सारी दुनिया उन्होंने वास्त है फिर जे इन कर ले तो बस उन्हें सेवादारी बन कुछ बन उन्हें अंदर लैके जीव कि निकले सही कहना कि निकले हाँ सुनाया सी ना फिर क्या तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे चोली बस वो ऐसे काम नु आने होर कोई काम नहीं किमें हो गए हाँ पलटू सोवे मदन में साहेब चौकीदार सोच लो साहेब चौकीदार
जिन्हें साहब चौकीदार बना लिया ओद पिछे पिछे है ना फिर मालिक जो मर्जी मंगे जो मर्जी दे सोचो जे मालिक ने जिसके अंतर्वचन इनकार जिसकी सीख तरह संसार सोचो उन्हें ओद सिक्ख्या नाले कहां जाना ओद पिछे पिछे मालिक मालिक भी जानना जे इन्हें मेरे जीव लेके जाने ने ओद पिछे जिन्हें तू कहे भाई मैं अपने कर दा यही एक मुसलमान के ने लिखा औलिया रा हक कुदरत दला पीर जाता बाग गदान देरा कि औलिया अल्लाह ने इतनी ताकत है कि दरगाह से चले हुए तीर वापस कर दे। फिर किसी ने पूछा कि वो मालिक शरीक ने कहना नहीं वो मालिक के प्यारे बच्चे ने प्यारा बच्चे जो मर्जी करा ले कहना ना साहब चौकीदार सुनो नामदेव की छपरी बनाई तने दी गंगो चराइया इन्हें ना करता फिरे इन भी चौकीदारी करता फिरे सोचो कोई करे सही जेडे जपदे ने उन्होंने पूछो उन्होंने कम करता कि नहीं करता ये थोड़ा ही करते ने जिम्मे दो जमाता पढ़िया दो जिनी विद्या हासिल की थी उन्हें कम कर लग जाता चार की थी उन्हें कर लग जाता दस की थी उन्हें कम कर लग जाता ज्यों हकबीर की थी उसे रानवास इन्हें राम पसंद लग जाते कम देने लग जाते फल मिलने लग जाते हैं ना पक्ति है। हाँ दोनों पास देख के दुश्मन भागे। सोचो किस चीज की लोड़ रही सोच लो आपे निठाने वाला मिल गया सारे झगड़े मिट गए ना लाठियां की लोड़ है ना बंदूकों की लोड़ है ना तलवारा की लोड़ है किसी चीज की लोड़ नहीं फिर बस आजाद है मालिक आपे संभाल दा फिरे। हाँ जाते सिर पर राम साहे को बारी न बात गाफिल में मैं रहो अपने आप ताके हमको नहीं सोचे सोच सब उनको भारी दिन भर पर न मोर लेते हैं कब्र हमारी कल 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 संभाल करता मिनट मिनट पे सलाद अपने क्या किसी शक्ति मानता थी अंदर वाले ने ते थम से निकल के आ गए ना भाई जिथे जाओ ते नाल आ हर वक्त संभालते है। हमको नहीं सोच सोच सब उनको भारी दिन भर पर न बोल लेते कब्र हमारी। कबीर साहब के खिलाफ पंडित दे मौलवियों ने बड़ी मुखालफत की। एक दफा सारे पिंड परचे भेजते भी भंडारा हम दुनिया कट्ठी हो गई हम बेचारा कबीर नु जब पता लग गया बेचारा छुप गया की करे हूं मैं कितों करा भंडारा वो आप छुप गया मालिक ने कबीर का रूप धार के ऐसा भंडारा किया धन कबीर धन कबीर धन कबीर धन कबीर वह बेचारा लुकया बैठा जेड़ा कोई जाए धन कबीर बड़ा भंडारा किया सोचे भी आ की है फिर देखे मालिक का खेल है सोचो ओनी लाज रखता है। हाँ लाज सजा जिन राम पर तार दिया सिर भार पलटू सोवे मदन में साहेब चौकीदार बाप की आज्ञा चको बेटा सोचो कीमती गल है बाप नु बाप की आज्ञा च रहिंदा है कोई चीज मंगदा नहीं मां बाप नु आपे फिक्र पै जांदा सारा उहनू सोचो अग्गे च रहिंदा हर तरह वो तो कोई चीज भी नहीं मंगता उन्हें आप फिक्र पै जांदा रोटी खाधी तो नहीं खाधी बोल इन रोटी खिलाओ बे इन कपड़ा दो बे मैनू ये दो बे ये दो बे सोचो तो फिर मालिक नहीं करूंगा जे एक बाप करता वो नहीं करूंगा वो तो बने कहा है। हाँ फिर जे तू मेरा हो जाए हो रहे सब जग तेरा हो फिर हम लाई खड़ा खजाने सब खजाने प्यार में वास्ते देखो इतने गवर्नमेंट अफसर रख दी है उन्हें तो कम लेंदी है उन्हें तो अफसर बना के दी है
कुर्सियां मेज सब कुछ दें, कागज देंगे, नौकर चाकर देंगे, तो फिर वो कंगाल गवर्नमेंट है। वो कोई कंगाल गवर्नमेंट है, उसने बनाई है भी, सोचो उन देन दे रहे, फिर वो नहीं दे सकती, क्यों मंगते फिर? नहीं तो लगी पे फिर चंगे मंदे, बस करो 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 करो, लगी पे सब माया ने चक्कर पा छे सब, क्या दृष्टि क्या त्यागी, जान देखो बाहर भीतर खटखट माया लागी। अब सामने लिखे माया का खेल वल्टा है, हृदय सीधे माया का चक्कर है। हाँ संतो माया सजी ना जाई, सदा एक संग रहते है जैसे बेल वृक्ष लिपटाई, काम सजे तो क्रोध ना छूटे, क्रोध सजे और लोभा, लोभ सजे और आशा बाढ़े, मान बढ़ाई शोभा, ग्रह त्याग फिर मणि बनावे, उदय अक्ष दे फेरी, कुटुंब छोड़ शिष्य शाखा मुंडे, ममता बड़े घनेरी, देखन को पैसा न छुए, कौड़ी मिले न छोड़े, गुरु भंडारा हेत नाम ले, मांग मांग धन जोड़े, कर्म संजोग मिले न जब लो, तब लो महाविरागी, मिले न कर संतोष रहे मन, तृष्णा पीछे लागी, शेष समीप पुजावन के है तर, सौ जोजन चल जावे, हमें छोड़ मत और को मानो, सारे ही लगी पई है, मैं बड़ा वकील गल देखो फौज भर्ती करनी है, सोचो वकील तो कहने जिथो तेन लाभ मिलता ले ला, बस खट ला कुछ, जे तू चंगी चीज मिल जाए तो बेशक ले ला, उन्हें दे उपदेश हों। त्यागी जो करे ना इच्छा, कोई आदमी आया कहने लगे जे तू मिले तेन कुछ चीज जो सन बाबा जी ने दसा तेन दसता, एदू तेन वधिया चीज मिलती है तो बेशक ला ला, सानू भी दस बोल। ए फकीरी सोई त्यागी जो करे ना इच्छा, मिले द्वेष न माने, कहे कबीर सुनो भाई साधो, माया झूठी जाने। देख ले सुनो, फकीर ने कसर भी नहीं छी, लिखने भी कसर नहीं छी, पर असी ख्याल नहीं सानू, पढ़ पढ़ के परे हो गए बस, कन जित भी नहीं रखी, जिन्होंने कबीर का और भंडारा किया, पलटू साहब कहते ने मैं देख ले सब आप ही, मेरा नौ है बाद बंदा भी मेनू है, बोलो हां जी, विधान साहब कितने गए मंगन, कबीर साहब कितने गए, किसी सिखाया उन्होंने मंगने फिर, किसी और फकीर ने सिखाया, हाल फकीर ने पलटू पलटू शोर, राम की गति घर में नाए अपने नालों में चार, राई पर्वत परे परे पर्वत को राई, अरना के तेरे छतर पैद की करे बड़ाई, लायो में अपार सकल घट अंदर जामी, मेरे ने बहाना करता वो आप ही है सारा, सोचो उन्हें कम लेना आप ही करे, उन्हें की लोड़ है, सोचो उन्हें की लोड़ है, उन्हें दो बुरकियां खानिया ने, वो हक लाल कमा के अपने खा लेंदा, बगैर हक लाल कमाए भजन बने नहीं सकता, परा खा खा के दिमाग खराब हो गए दुनिया के, काल खाए कुछ हथों दे ना ग्राह पछाने से, सोचो मलक भागो के कूड़े देखो सिटे, हक लाल की कमाई किसी माड़ी मोटी खाधी सामने को रोटी खा ली, हूं कूड़े जिन्हें मर्जी मिल जाए सामू, फिर उत मत कि रहूगी। हां जी
लीला गम अपारा सकल घट अंतर जामी खाए खिलावे राम दे हमको बदनामी हम तो भया होएगा शायद करता मोरा इतने है आप ही पलटू पलटू चोर इतने है आप ही पलटू पलटू चोर हाँ जी तो ये है दादा सतगुरु ये दादा सतगुरु है ये कम देने वाला राम है ये कम देने वाला सतगुरु है जेड़ा लवे हाँ जी सतका जी बेगम का चोला सतका जी बेगम का चोला जिनकी सुनने हटाई हो जिन पर सतगुरु राजी हो जाए जिन पर सतगुरु राजी हो जाए जिनका जगत दिखाई हो आपे जे फुला च बैठ के रंग लिया सकता होर चीज देनी औखी है जे रंग अंदर बना सकता होर चीज देनी औखी है सोचो ये तो कोई बने ये कर्ज वर्क का पा दे इनू किस चीज की कमी ना दे कोई बने सही इन्हें आपे कम करता फिरे ये कम देने वाला राम है संज फरा करते सी असि इस राम से कम लिया है थोन दस दिया फोका राम नहीं कम देने वाला जपो तो सही तुम टट्टी जाओ गर्मी लेके कोई ना कोई रूट आके दौड़ो पिछे टट्टी पिछे भी फिरू दे लो ओदा भंडारा किया भी कहना दे दलेर साहब आप ही पलटू पलटू शोर किते ना कम यह है कम देने वाला राम गुरान साहब रोज पढ़ दिया क्या फिर कर वैसे हरिजन प्यारे सतगुरु तुमने का संवारे शाबाश तेरे पीछे पीछे फिर सोच लो कोई बने कि गल्ला फिर दी सारी दुनिया हाँ जी सही राम सही फकीर मिल जे ये नाम जपे ये सारे काम करता फिरे हाँ जी अब जीत हमारी हो मालिक दरगाह जी मैनू जगह मिल गई हूं मैं कम करदा मालिक मेरे लैंदा करदा वो आप है मेरा तक बहाना है अब जी जिम्मे कोई कहना मैं एमएलए मैं खड़ा हो गया भी मैं नौकरी जित गया वो कहना मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया वो कहना मैं चीफ मिनिस्टर बन गया अब जीत हमारी हो कहना मैं हूं सतपुरुष बन गया कबीर जाको खोजते पायो सोई ठाकुर सोई फिर के तू गया जाको कहता और असली भगती है जन्म मंदिर पर छुड़ा वाली बाकी बाकी कोई दिन सुख मिल जाए मगर चुरासी नहीं मिलती सुरगंज तक पहुंच जाए चुरासी नहीं मिलती यह है चुरासी मकाने वाली बस सत्यनाम व्यापारी Thank you.
सतनाम व्यापारी आए हम सच्चे नाम व्यापारी हो सच्चे नाम Oh,